नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले के मंडिया जिला अस्पताल में फर्जी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के मामले को लेकर भाजपा जहां हंगामा कर रहे हैं, वहीं सीएमएस का कहना है कि मामले की उनको जानकारी नहीं है। मंडिया जिला अस्पताल पहुंचे अंबेडकर नगर के रहने वाले पंकज ने मैनपुरी जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म भरा था। पंकज के मुताबिक उनको फोन आया और वह लखनऊ पहुंचा। वहां उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद उसे फोन आया कि वो अपना वेरिफिकेशन के लिए आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में जाए। पंकज जिला अस्पताल पहुंचा तो कुछ लोग मिले, लेकिन वहीं इस दौरान मामला लीक होने पर वह लोग वहां से चलते बने। वहीं वाजपेयी अस्पताल में फर्जी नियुक्ति का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएमएस का कहना है कि वह जब अपने कार्यालय में आई तो कोई नहीं था। अब बाहर क्या हो रहा है इसकी उनको कोई जानकारी नहीं। सर, जिला अस्पताल में किस तरीके का इंटरव्यू हो रहा था बताएं। सर, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था जन सेवन यूजन पोर्टल से। वहाँ से मेरा ईमेल पे मैसेज आया था। मैंने फॉर्म जो अप्लाई किया तो मैनपुरी से था, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वहाँ पे इंटरव्यू दिया लखनऊ एक प्लाजा नाम से कोई वहाँ पे था। वहाँ पे इंटरव्यू दिया। वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद फिर बोले कि आप जाओ, अब फ़ोन जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। तो सर, एक चार छः दिन पहले फ़ोन आया था, वहीं बोल रहे थे, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक कहें कि आप चले जाओ आजमगढ़, वहीं पर होगा आपका वेरिफिकेशन कागज, इसीलिए आया हूँ। सर, अंदर नहीं थे, वहीं पे गेट पे थे। वहाँ पे पूछे कि आप जाओ वहाँ पे, जाओ वहाँ से, वहाँ जाओ वहाँ से, वहाँ से। फिर कुछ लोग आ रहे थे वहीं पे, हम भी पीछे पीछे ले आए। क्या पता चला? हम यहीं पे बैठे तो लोग साथ चले गए, पता नहीं कहाँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे तैनाती के लिए? मैनपुरी के लिए। मैनपुरी के लिए जी। आजमगढ़ में क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाया? बोले कि वहीं पे चले इंटरव्यू के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, कागज वेरिफिकेशन। आप रहने वाले कहाँ? अम्बेडकर नगर से। आप रहने वाले अम्बेडकर नगर के हैं, मैनपुरी के लिए अप्लाई किए थे, और आजमगढ़ में क्या था आपका? सर, फ़ोन आया था कि आप आजमगढ़ चले जाओ गेट के पास, वहीं पूछ लेना किसी से, वहीं पे कहीं वेरिफिकेशन हो रहा है कागज़ का आपका। तो आपने अम्बेडकर नगर छोड़ के आजमगढ़ में वेरिफिकेशन करने जी आया था, और आपने अप्लाई किया था मैनपुरी? मैनपुरी से। अच्छा, तो आपको इस मामले में पूरा कुछ बोल बोल नज़र नहीं आ रहा? सर, अभी तो मुझे कुछ नहीं, बस यही लोग बैठाए हैं तब से। नहीं, इस पूरे मामले में आपको बोल बोल नज़र नहीं आ रहा कि आप रहने वाले अम्बेडकर नगर के जी अप्लाई मैनपुरी के देखे हैं, वेरिफिकेशन आजमगढ़? जब मैंने वहाँ से जब इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पे बोले कि आपको कहीं नगजीते ही मिलेगा। अच्छा, वेरिफिकेशन नहीं, नौकरी कहीं नगजीते ही मिलेगी, जहाँ आपसे नगजीती होगी। अच्छा, वहीं पर दे दिया जाएगा। अच्छा, तो सिक्योरिटी गार्ड किस पर्पज़ के लिए? सर, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अच्छा जी, तो क्या नज़र आ रहा है आपको, मिलेगी? अब आए हैं। कितना पैसा खर्चा हुआ अभी? पैसा सर, आए हैं तो भाड़ा किराओ जो लगा। तो नियुक्ति में अभी कोई पैसा सर? नहीं सर, पैसा नहीं लगता, अप्लाई के लिए पैसा नहीं लगता वहाँ पर, सिर्फ भाड़ा किराओ खर्च होता है जो आते हैं जाते हैं। आजमगढ़ जिला अस्पताल में एक अभी मामला आया है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग नियुक्ति के नाम पर यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था आपके कैंपस में, और कुछ डॉक्टरों पर भी आरोप है, क्या मामला है पूरा? देखिए, हम जब चैम्बर में थे तो यहाँ कोई भी नहीं था, और हम अंदर बैठे हुए थे, बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, हमको नहीं मालूम है। मैडम, एक लड़की को भी लोगों ने पकड़ा है, उन्होंने बताया कि तो उससे पूछा जाएगा कि किसने बुलाया, क्यों बुलाया है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।